हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे 22 मई 2020 का। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आप मुझे कुछ फीडबैक और सजेशन वगैरह यहाँ पे दे सकते हो। आपके फीडबैक या सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह यहाँ पे करना हो, या फिर यह सीरीज़ कंटिन्यू करनी है या फिर नहीं करनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, UPSC_Perseverance करके मेरा आईडी है। उसके बाद में आप टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, UPSC Perseverance करके वहाँ पे सर्च करके आप मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब करो। वहाँ पे आपको कुछ PDF वगैरह यहाँ पे अगर आपको चाहिए होंगी तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। YouTube पे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको स्पीड कम ज़्यादा वगैरह करनी हो तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप स्पीड कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। हमारे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड अ साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑन द राइज। मतलब जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर है, मतलब जो खर्चा है, वो बड़ा है अभी, और साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑन द राइज मतलब बढ़ोतरी पे है। मतलब बहुत ज़्यादा हम साइंटिफिक पब्लिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, रिलीज़ करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर्स 2019 से लेकर 2020। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इंडिया अकाउंटेड 2.9% ऑफ द शेयर इन द वर्ल्ड GRD ड्यूरिंग 2017-18। सो ये 2.9% शेयर करता ये करता है वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड GRD का ये ऑक्यूपाई करता है 2.9% शेयर। ये 2017 से लेकर 2018 में यहाँ पे दिया गया था। इंडियाज ग्रोथ एक्सपेंडिचर इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट GRD हैज़ ट्रिपल्ड बिटवीन द 2018 एंड 2018। मतलब पिछले 10 साल में यहाँ पे ये जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है ये ट्रिपल्ड हुआ है, मतलब 3 times हुआ है, बड़ा है। ड्राइवन मेनली बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, नियरली 60% ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड दिस कॉन्ट्रास्ट विद द डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज वेयर शेयर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग इज जनरली मोर देन 50%। अब इंडिया ने स्पेंड किया है यहाँ पे 0.7% ऑफ इट्स GDP, मतलब जो हमारा GDP का 0.7% हिस्सा यहाँ पे इंडिया स्पेंड करता है। इसका मतलब यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया है जो ब्रिक्स नेशन कंट्रीज है, मतलब ये 2017-18 में यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे ये हिस्सा दिया है, स्पेंड कर किया गया है। ब्राज़ील ने 1.3% किया है, रशिया ने 1.1%, चाइना 2.1% करता है, साउथ अफ्रीका 0.8%। मतलब ब्रिक्स नेशन से मतलब कम है हमारा जो स्पेंड करते हैं हम GDP पे, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सो ये बाकी कंट्री से कंपेरेटिवली मतलब कम है, ऐसा यहाँ पे बताया है। साइंटिफिक पब्लिकेशन हैव राइजन प्लेसिंग इंडिया एट द 3rd पोजीशन इंटरनेशनली। मतलब जो साइंटिफिक पब्लिकेशंस होते हैं उसमें इंडिया का 3rd पोजीशन होता है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 1st एंड 2nd पोजीशन में कौन है साइंटिफिक पब्लिकेशन में। नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर मिलियन प्रोडक्शन पॉपुलेशन हैज़ डबल सिंस 2000। मतलब अभी जो नंबर ऑफ रिसर्चर्स है वो पर मिलियन पॉपुलेशन में वो डबल हुए हैं 2000 से। एक्स्ट्रा मुराल स्पॉन्सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्टेड बाय द सेंट्रल साइंटिफिक एजेंसी लाइक DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी DBT हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। वुमेन पार्टिसिपेशन इज अ एक्स्ट्रा मुराल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बड़ा है, और इंडिया रैंक करता है 9th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द रेजिडेंट पेटेंट फिलिंग एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। सो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे दिया है नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट्स परसेंटेज विद द GDP। सो ये मैप आप मतलब ये ग्राफ ध्यान में रख सकते हो मेंस के लिए। उसके बाद में यहाँ पे 5 more states एंड UTs टू जॉइन 1 nation 1 ration card के बारे में यहाँ पे दिया है नेशनल पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म। 5 और state यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पे अप्रूव किया गया है इंटीग्रेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव विद द नेशनल क्लस्टर अंडर द 1 nation 1 ration card। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हैं ये 17 हो चुके हैं,
और इसका एम है वन नेशन वन राशन कार्ड का, टू इंट्रोड्यूस द नेशन वाइड राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, टू फैसिलेट द राशन कार्ड होल्डर्स लिफ्टिंग देयर फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप विदाउट नीडिंग टू ऑप्टेन द न्यू राशन कार्ड। मतलब हमें नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर जो भी सपोज माइग्रेंट वर्कर हैं, अभी न्यूज़ में था कि जो माइग्रेंट वर्कर थे वो अपने घर होम विलेज होम टाउन में जा रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी जो वहाँ पे काम करते थे, सपोज बिहार का जो लेबर है महाराष्ट्र में काम कर रहा है, सो उसे वहाँ पे राशन नहीं मिलता था। सो अभी ये वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत वहाँ पे उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेशन वाइड ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी हो जाएंगी और जो राशन कार्ड होल्डर है कहीं से भी राशन उठा सकेंगे फेयर शॉप से विदाउट नीडिंग टू ऑप्टेन न्यू राशन कार्ड। वहाँ पे न्यू राशन कार्ड की इन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इंश्योर टू द दैट ऑफ द बेनिफिशियरीज नॉट टू डिनाइड देयर राशन बिकॉज ऑफ देयर इंटर स्टेट माइग्रेशन। अभी इंटर स्टेट माइग्रेशन वगैरह हुआ तो वहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि बेनिफिशियरी जो होते हैं उन्हें डिनाई नहीं किया जाएगा, उन्हें ना नहीं बोला जाएगा राशन के लिए अगर वो इंटर स्टेट माइग्रेटरी माइग्रेशन भी करते हैं। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पूछा है सेंटर को फिजिबिलिटी ऑफ द टेम्पररीली अडॉप्टिंग वन नेशन वन राशन कार्ड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के लिए बीच में। अभी आपको पता है कि जो माइग्रेंट वर्कर है उन्हें वो अलग स्टेट में रहते थे ओरिजिनली और अभी काम करने के लिए दूसरे स्टेट में आए हैं, सो वहाँ पे उनको राशन अवेलेबल नहीं हो रहा था। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को पूछा है कि टेम्पररी जो राशन कार्ड है ये अलोकेट किए जाए और वहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे यहाँ पे उनको फूड ग्रेन यहाँ पे दिए जाने चाहिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एंड माइग्रेंट वर्कर को। उसके बाद में स्कीम इज स्केड्यूल टू ऑपरेशनलाइज इन द वर्ल्ड कंट्रीज इन द जून 2020। ये ऑपरेशनलाइज किया जाएंगी ये लागू की जाएंगी 2020 तक जून के। उसके बाद में वन नेशन वन राशन कार्ड इज बीइंग इंप्लीमेंटेड अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेमली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम IMPDS के तहत ये आता है। और इसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, गवर्नमेंट क्लियर्स रोड ब्लॉक टू द फास्ट ट्रैक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। ये PMEGP क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज़ डन अवे विद द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन रिकमेंडिंग प्रपोजल अंडर PMEGP। इसे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसे वो हेड कर किया करेगा और जो प्रपोजल्स हैं वेयर स्क्रूटनाइज बाय द DLTFC दैट ऑफन लीड टू इनऑर्डिनेट डिलेज इन द सैंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ विल डायरेक्टली क्लियर प्रपोजल्स अप्लीकेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रीनर्स विल फॉरवर्ड इट टू द बैंक फॉर टेकिंग क्रेडिट डिसीजन। उसके बाद में ये स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ द लॉकडाउन ये क्रिएट करेंगे। उसके बाद में PMEGP इज अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है, एम करता है, इसका एम है जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। ये ध्यान में रखना, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज दोनों ही गाँव में भी और शहरों में भी। लोन इज बींग प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक सिलेक्ट private sector bank and cooperative bank with the subsidy being given by the Ministry of MSME through KVIC. Maximum cost of project kya hai iska 25 lakh in the manufacturing sector and 10 lakh in the service sector. Benefit kya diye jate under this PMEGP for setting up of the new units only. अवेल किए जाते हैं बेनिफिट न्यू यूनिट्स ओनली, जो नए यूनिट्स हैं उन्हें दिए जाते हैं। इट इज़ बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द KVIC, ये ध्यान में रखना, स्टेट खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये RCEP ने आपको पता होगा ये रीजनल कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, ये बहुत न्यूज़ में रहता है। इन्होंने अर्ज किया है इंडिया को टू रिटर्न टू नेगोशिएटिंग टेबल एज अ COVID-19 ब्रेक इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी को अभी यहाँ पे लॉस हुआ है। सो इन्होंने सोचने के लिए बोला है कि वो RCEP में के बारे में थोड़ा सोचें
और नेगोशिएट करने की कोशिश करें। तो ये आरसीपी ट्रेड नेगोशिएटिंग कमेटी मीटिंग यहाँ पे 29th मीटिंग हुई है, और करंट मेंबर्स ऑफ द रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हैव स्टेटेड दैट दे वुड वेलकम इंडिया रिटर्न टू द आरसीपी। मतलब इन्होंने वापस आने के लिए यहाँ पे बुलाया, मतलब आरसीपी में एंट्री करने के लिए इंडिया को बोला है। इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ एट टू रिएक्ट दिस ऑफर, मतलब इंडिया ने अभी तक के यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया है। इंडिया फुल आउट द आरसीपी इन नवंबर 2019, नवंबर में आरसीपी से ये बाहर निकल गया था, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि उनका मतलब जो इनर कॉन्शियस उन्हें बोलता है कि गांधी जी की इस पे राह पर चलते हुए उन्होंने वो निर्णय लिया था कि जो हमारे विलेजेस में छोटे छोटे व्यापार बिजनेस वगैरह करते हैं, छोटी मतलब कुछ स्मॉल इकोनॉमीज वगैरह हैं, अगर हम यहाँ पे आरसीईपी में एंटर करते हैं, सो मतलब जो चाइनाज होती है, बड़ी इकोनॉमीज, लार्ज इकोनॉमीज होती है, वो मतलब हमारे इंडिया में जो मतलब जो छोटे ये हैं वर्कर्स हैं या छोटे प्रोजेक्ट वगैरह बिजनेसेस वगैरह चल रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब हमारी छोटी जो माइक्रो इकोनॉमीज वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी वजह से वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी इन लार्ज इकोनॉमीज से, वहाँ पे चाइना है, जापान है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। सो ये आरसीपी में एंटर करने से मना कर दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, बिग डिसीजन लिया था। उसके बाद में अनइक्वल कंपटीशन है यहाँ पे, ट्रेड डिफिशियट है, और उसके बाद में मेनी डोमेस्टिक सेक्टर एंड एग्रीकल्चर वेयर एट द रिस्क विद द आरसीपी। एग्रीकल्चर को भी यहाँ पे और डोमेस्टिक सेक्टर को भी यहाँ पे थोड़ा धोखा है। लैक्स ऑफ रूल ऑफ ओरिजिन, मतलब जो रूल्स वगैरह हैं, अलो चाइनीज प्रोडक्ट टू बी राउटेड थ्रू द अदर मेंबर कंट्री मार्केट, मतलब ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे अदर जो मार्केट है अदर कंट्री में। आरसीपी इज़ अ प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये बिटवीन द आसियान नेशन एंड देयर फ्री ट्रेड पार्टनर्स ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया जॉइंस आरसीपी वुड अकाउंट ऑफ द 39% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है सो ये आरसीपी 39% ऑफ द जीडीपी अकाउंट करेगा कंपेयर टू द वर्ल्ड, पूरे पूरे वर्ल्ड का ग्लोबली, एंड 30% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इसमें होगा यहाँ पे आरसीपी में अगर इंडिया यहाँ पे ज्वाइन करता है सो, और 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब ये कितना बड़ा हो जाएगा। मतलब ये आरसीपी जो ये इनिशिएटिव है, ट्रेड एग्रीमेंट जो है, मतलब यहाँ पे इसमें 45% टोटल पॉपुलेशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा अगर इंडिया यहाँ पे ज्वाइन करता है सो। सो आरसीपी मेंबर कमेटी के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है, आप मैप में देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, लेकिन अभी फिलहाल में इंडिया ने इस ज्वाइन करने से मना कर दिया। सो ये इसके बारे में आर्टिकल था। चाइना इज़ टेस्टिंग द न्यू डिजिटल करेंसी, चाइना में अभी टेस्ट किया जा रहा है न्यू डिजिटल करेंसी। चाइना सेंट्रल बैंक ने, सॉरी चाइना का सेंट्रल बैंक जो है, इसने स्टार्ट किया है टेस्टिंग इट्स ऑफिशियल डिजिटल करेंसी कॉल्ड डीसी एंड ईपी, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, और ई आरएमबी जो चाइनीज़ करेंसी का नाम होता है, रेमबिनी उनका करेंसी का नाम है, उसी के तहत यहाँ पे डिजिटल करेंसी यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं चाइनीज़ सेंट्रल बैंक। इट्स प्लान टू रोल आउट द वर्चुअल मनी पेमेंट सिस्टम प्रपोज किया है यहाँ पे। सोवरेन डिजिटल करेंसी विल बी पेज टू बी द नेशनल करेंसी, डिजिटल करेंसी और द वर्चुअल करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ द करेंसी दैट इज अवेलेबल ओनली इन द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, नॉट इन द फिजिकल फॉर्म। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में दिया है, ये वर्चुअली अवेलेबल होता है, मतलब इसको मतलब हम देख नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते। वर्चुअल करेंसी जनरली यूटिलाइज इंक्रिप्शन टेक्निक टू रेगुलेट जनरेशन ऑफ द करेंसी यूनिट एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ द फंड ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंट्रल बैंक, हेंस वर्चुअल करेंसी आर ऑल्सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं इसे। आरबीआई ने यहाँ पे 2018 में इशू किया था सर्कुलर बैनिंग किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक, एनबीएफसी फ्रॉम ट्रेडिंग विद द इन द वर्चुअल करेंसी के साथ में, अगर ये ट्रेड वगैरह करते हैं सो ये बैन किया था यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिसेंटली सेट असाइड दिस ऑर्डर सेइंग ब्लैंकेट बैंक डिड नॉट पास द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट यहाँ पे पास करने के लिए नहीं बोला था। उसके बाद में यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे रेफर किया है सेंट्रल टू फेलर इंट्रोड्यूस द ऑफिशियल डिजिटल रूपी डिस्पाइट टू ड्राफ्ट बिल, क्रिप्टो टोकन रेगुलेशन बिल 2018 एंड ड्राफ्ट बैनिंग क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019।
2019 will seek to prohibit the mining, होल्डिंग, ट्रेड, इंश्योरेंस, डिस्पोजल ऑफ द यूज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री। तो ये 2019 का बिल यहाँ पे इसने प्रोहिबिट किया था माइनिंग, ट्रेड, इंश्योरेंस एंड इश्योरेंस एंड द डिस्पोजल ऑफ द यूज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री। कश्मीर सेफ्रॉन को यहाँ पे जी आई टैग मिला है, इसके बारे में आर्टिकल है। ये सेफ्रॉन कल्टिवेटेड होता है खारेवास हाईलैंड इन द जम्मू कश्मीर। इट इज़ ओनली सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड ग्रोन एट द एल्टीट्यूड ऑफ द 1600 to 1800। मतलब इसने ऊंचाई पे ये ओनली, मतलब ये केसर है, केसर बोलते हैं इसे सेफ्रॉन को। और एशियन टाइम से यहाँ पे संस्कृत लिटरेचर में सेफ्रॉन रेफर किया गया था एज अ बाहुकाम। बाहुकाम मतलब एशियन संस्कृत लिटरेचर में इसे नाम दिया गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये लॉन्गर होता है, थिकर स्टिग्मास होते हैं, नेचुरल डीप रेड कलर होता है इसका, हाई अरोमा होता है, मतलब बहुत खुशबूदार होता है, बिटर फ्लेवर्स होता है, मतलब टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होता है, एंड हाईली क्वान्टिटी ऑफ क्रोसिन, मतलब कलरिंग स्ट्रेंथ होते हैं, सेफ्रोनल फ्लेवर होते हैं, पिक्रो क्रोसिन या बिटरनेस होता है यहाँ पे इसमें। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए थे। और उसके बाद में थ्री टाइप्स ऑफ इंक्लूड, इसमें तीन टाइप के ये आते हैं, गुच्ची, लच्छा एंड मोगरा सेफ्रॉन, ऐसे तीन टाइप होते हैं। ईरान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सेफ्रॉन का, एंड इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। अदर जी आई प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी पश्मीना, कश्मीरी सुजानी क्राफ्ट, कानी शॉल एंड कश्मीरी पेपर माचे, कश्मीरी वॉलनट कार्विंग कार्विंग एंड खाता खातम खाता अम्बाड एंड कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट। ये अदर जी आई टैग मिले हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना, ध्यान में रखना। कभी कभी समटाइम्स फ्रीलेंस से पूछा जा सकता है कि कौन से जी आई टैग ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। उसके बाद में जी आई टैग के बारे में पढ़ते हैं। ये साइन है, यूज़ करते हैं ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, स्पेसिफिक मतलब उसी जियोग्राफिकल एरिया में ये मतलब पाए जाते हैं, एंड पजेसेस क्वालिटीज और रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। दीज आर द रेगुलेटेड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 एंड गिवन बाय द कंट्रोल जनरल ऑफ द पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क हु इज रजिस्टर्ड ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जी आई इज कवर अंडर द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत ये आते हैं। उसके बाद में कुछ और न्यूज़ दिया गया है यहाँ पे। लॉकडाउन एक्सटेंड किया था 2 हफ्ते के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यहाँ पे इशू किया था ऑर्डर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इशू किया था न्यू गाइडलाइंस टू रेगुलेट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनटू द रेड हॉटस्पॉट ग्रीन एंड ऑरेंज जोन, यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर किए गए थे। कुछ गाइडलाइंस दिए थे, कंसिडरेबल रिलैक्सेशन दिए थे। रेड जोन हाई नंबर ऑफ केसेस के लिए यहाँ पे डबलिंग रेट होता है, और ऑरेंज जोन ये कंपेरेटिवली फ्यूअर केस होते हैं, और ग्रीन जोन यहाँ पे नॉट हैड एनी केसेस इन द लास्ट 21 डेज, मतलब 21 दिन तक यहाँ पे कोई भी केस नहीं पाए गए, तो उसे ग्रीन जोन यहाँ पे घोषित करते हैं। MCA 21 के बारे में दिया गया है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने यहाँ पे अवेलेबल कॉर्पोरेट डाटा कंटेंट विद इन द MCA 21 डाटा फॉर द रिसर्चर्स एंड स्टडीज पर्पजेस। ये MCA 21 प्रोजेक्ट्स एनेबल करता है इजी एंड सिक्योर एक्सेस टू द MCA सर्विसेज इन द असिस्टेड मैनर फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज, प्रोफेशनल्स एंड जनरल पब्लिक। MCA 21 एप्लीकेशन इज डिजाइन टू फुली ऑटोमेटेड ऑल पर्पजेस रिलेटेड टू प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 and Limited Liability Partnership Act 2008. This will help the business community to meet their statutory obligations. उसके बाद में years of the awareness on science and health यश के बारे में यहाँ पे दिया है 2020 से लेकर 2021 तक। ये प्रोग्राम है ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन विद द फोकस ऑन COVID-19 के बारे में। अंडर इट स्ट्रैटेजी हैव बीन वर्क आउट टू इन्वॉल्व एकेडमिक एंड द मीडिया वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट नेसेसरी एक्शंस एंड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस ऑफ द सोसाइटी टू एड्रेस द चैलेंज। ये लॉन्च किया था नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCST ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है ये नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, ध्यान में रखना। उसके बाद में पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस लॉन्जिटिविटी के बारे में यहाँ पे दिया है, पहल प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये जॉइंट इनोवेटिव फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ US AID एंड IPE ग्लोबल विच एम्स टू प्रोवाइड सपोर्ट
टू सोशल एंटरप्राइज इन डेवलपिंग अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सोल्यूशन फॉर द अर्बन पुअर। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस एड इज वन ऑफ द लीडिंग एड एजेंसी ग्लोबली। आईपीई ग्लोबल लिमिटेड इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स ग्रुप। रिसेंटली यूएस एड अनाउंस एडिशनल 3 मिलियन ग्रांट सपोर्ट ऑफ इंडिया कोविड-19 एफर्ट्स। दीज फंड विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द पहल प्रोजेक्ट। उसके बाद में चकमाज एंड हजोंग ये ट्राइब्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज़ डायरेक्टेड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू इंक्लूड दीज कम्युनिटीज इन द कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम। चकमाज एंड हजोंग आर द एथनिक पीपल वो लिव इन द चितकोंग हिल ट्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ विच आर लोकेटेड इन द बांग्लादेश। चकमाज आर प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट वेल द हजोंग्स आर हिंदू। मतलब ये चकमाज बुद्धिस्ट होते हैं एंड हजोंग ये हिंदूज होते हैं। एच ऐसा ध्यान में रखना कोडवर्ड। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया वेस्ट बंगाल बांग्लादेश एंड म्यांमार। इन रीजन में ये पाए जाते हैं, ये कंट्रीज में ये पाए जाते हैं चकमा एंड हजोंग। सो आज हमने यहाँ पे सेकंड मे का करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किया विजन आयस का। सो ऐसे विजन आयस के डेली करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे और जितने भी मतलब इनके करंट अफेयर हैं इस चैनल पर मैं अपलोड कर दिया करूँगा आने वाले दिनों में। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।